अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो उम्मीद है आप लोग सर बेहतरीन और खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हैं जी एक इलेक्ट्रिक कार की स्पेसिफिकेशन के साथ जो पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। इलेक्ट्रिक कार है, ये फुली इलेक्ट्रिक है, ये पेट्रोल पे नहीं है। जस्ट लेट यू नो गाइस, तीन कलर्स में आती है, सिल्वर, ग्रे एंड वाइट। सिल्वर जो कि ग्रे ही होता है, सिल्वर, वाइट एंड ग्रीन में। और ग्रीन जैसे कि आप देख सकते हैं ये कलर है, और मुझे ज़्यादा ग्रीन इंट्रीक किया था। और ये ब्लैक कलर में भी आती है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसके अंदर जनाब ये 84 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और उसके अलावा जो है इसकी स्पीड जो है तकरीबन 110 है। और इसके दरवाजे की आवाज़ और इसके अंदर का इंटीरियर जो मैंने देखा है बहुत ज़बरदस्त है। इसकी लेग स्पेस फ्रंट पे बहुत ज़बरदस्त है। दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने एक LED पे शो होता है, बाकायदा दरवाजे खुले हुए हैं। 9 इंच की इसकी LED है इसके अंदर, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के तौर पे यूज़ होती है, जिसके अंदर कोई लैग मैंने नहीं देखा। बाकी इसका डायल पैड है आपकी लेफ्ट हैंड वाली साइड पे, मिड में आपको जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और आई थिंक इनको सीट बिल्कुल बकेट सीट्स के साथ अवेलेबल है, जो कि बड़ी कंफर्टेबल थी। मैं बैठा था बैक सीट पे, इतनी ज़्यादा स्पेस अगर 6 फुट का बंदा है आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा जगह मिलेगी उसको, लेकिन ये है कि बाकी काफ़ी अच्छी स्पेस है। ये एक चार्ज पे तकरीबन आपको 220 किलोमीटर देती है अगर आप इसको प्यार मोहब्बत से चलाएं। जैसे कि आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितनी भी हैं उनको आपको प्यार मोहब्बत से चलाना पड़ता है, उनको आपको खींच के नहीं चलाना पड़ता। और मैंने इसको यूज़र रिव्यू जैसे कि मैंने इसको खुद भी चलाया और मुझे बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, कूल वन और कूल टू। कूल टू के अंदर फोर व्हील ड्राइव होती है, दो मोटरें लगी हैं अगले टायर्स पे भी पिछले पे भी, और उससे ज़रा इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ है। स्पेसिफिकेशन रोक के आप चेक कर सकते हैं। तो जी इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर ABS EBD की ब्रेकिंग सिस्टम मौजूद है। 9 इंच स्क्रीन डिस्प्ले इसके अंदर मौजूद है। GPS नेविगेशन है, अपहिल असिस्टेंट इसके अंदर मौजूद है, रिवर्स इमेज है इसके अंदर, कैमरा है रिवर्स का, फ्रंट अगर आप रिवर्स करें तो इसके अंदर कैमरा है, ऑक्सिलरी रेडार है इसके अंदर जो आपको बताता है सेंसर के अगर आप किसी दीवार के पास या पीछे जा रहे हैं तो आपको बता देगा कि जनाब इसके अंदर जो है आप दीवार के करीब जा रहे हैं, वो उसकी ब्लिंकिंग वॉइस है एक, वो बताता है, ब्लिंक करने लग जाती है, आवाज़ आ जाती है, और आप उसको इजीली जो है रिवर्स कर सकते हैं और फ्रंट पे लेके जा सकते हैं। ब्लूटूथ इसके अंदर कनेक्टिविटी मौजूद है, इसकी LED के अंदर मोबाइल पोर्टेबल चार्जिंग बैंक जो है इसके अंदर मौजूद है, पर्सनलाइज इंटीरियर कलर्स भी मौजूद हैं अगर आप पर्सनलाइज अपनी मर्ज़ी से कराना चाहते हैं। ऑल मेटल बॉडी है, प्लास्टिक का इस्तेमाल अंदर किया गया लेकिन बहुत अच्छा है। और इसके दरवाजे की आवाज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी, इट फील्स लाइक द लग्जरी कार व्हेन यू ओपन द डोर एंड व्हेन यू क्लोज द डोर। और इसके अंदर जो है बाकी की बात की जाए तो तकरीबन इसके अंदर इकोनॉमी मोड आता है और एक स्पोर्ट्स मोड आता है इसके अंदर जो इसके अंदर ही है। और फोर व्हील ड्राइव है, जो टू व्हील ड्राइव है, जो पीछे वाइट कलर की खड़ी थी वो ये वाली जो है टू व्हील है, वो जो दूसरी है ये जो स्पोर्ट्स मोड है। इसकी फ्रंट पे चार्जिंग पोर्ट है जो तकरीबन आपको 4.5 घंटे तकरीबन लगते हैं चार्जिंग टाइम इसके, और तकरीबन ये फुली चार्ज 4.5 घंटे में हो जाती है। अगर आप किसी मोटरवे वगैरह पे आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा जल्दी चार्ज अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे तकरीबन 30-40 मिनट्स में ये फुली चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जिंग के ऊपर। लेकिन अगर आपके नॉर्मल जो चार्जर्स के साथ अवेलेबल है उसके ऊपर ही तकरीबन 4.5 घंटे लेती है, और 18 से 19 यूनिट फुल चार्जिंग में आपको ये देती है तकरीबन, लेती है आपकी बिजली की 18 यूनिट्स लेती है, तो वो आप अपना हिसाब खुद ही लगा लीजिएगा। ये वाइट कलर की इसके अंदर एक मौजूद है गाड़ी जो कि फोर व्हील ड्राइव है, और हमने इसको चलाया था और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आपको बताता चलूँ, जब इसके साथ एक रिमोट की आती है, जब आप इसको अनलॉक की की को प्रेस करके रखते हैं तो इसके शीशे ऑटोमेटिकली 5 सेकंड बाद नीचे हो जाते हैं, और अगर लॉक की प्रेस करके रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं। इसके अंदर ये भी ऑप्शन अवेलेबल है जो मोस्टली लग्जरी कार्स के अंदर होता है। बाकी चीज़ के अंदर AC भी है, इसके अंदर हीटर भी मौजूद है, और हमने AC के साथ चलाई थी, बेहतरीन थ्रो है उसकी। और गाड़ी की नॉइस कैंसलेशन बहुत ज़बरदस्त है जी, बाहर की वॉइस बिल्कुल कैंसिल हो जाती है, अंदर कोई आवाज़ नहीं आती, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब हमने गाड़ी चलाई थी उसकी भी वीडियो मौजूद है, वेट कीजिएगा हमारे रिव्यू का इंशाल्लाह। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर तीन कलर्स आते हैं, वाइट, ग्रे एंड
दिस ग्रीन वन, ब्लैक कलर भी इसके अंदर आता है जो कि आगे इंशाल्लाह आगे जाके लॉन्च होगा तो हम आपको बताएंगे, इसकी प्राइस भी रिवील करेंगे इन एवरीथिंग। इसके अंदर जी लिक्विड कूल का एक लगा हुआ सिस्टम लगा हुआ है जो मोटर को ठंडा रखता है, और इसके अंदर एसी की ये जो आप पाइप्स देख रहे हैं फ्रंट पे आपको मौजूद हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसकी बैटरी बिल्कुल उन्होंने अलग दी है, जैसे कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो गाड़ी की बैटरीज पे डीसी मोटर्स जो बैटरीज जो उसके अंदर लगी हुई हैं उसके ऊपर इफेक्ट ना करे, उसकी माइलेज पे इफेक्ट ना करे स्टार्ट करते वक्त या जो भी है मोस्टली, तो वो उन्होंने इसकी बैटरी एक अलग दी है स्टार्टिंग की, जब आप प्रेस पुश एंड स्टार्ट करते हैं उसकी बैटरी एक अलग मौजूद है इसके अंदर। और इसके अंदर बाकी जो चीज़ें देखी जाएँ वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, हमने जो है भाई से पूछा था, उनसे हमने डिटेल भी पूछी थी, वो भी आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे, हमने इसको चलाया भी था इंशाल्लाह आपके साथ उसका भी रिव्यू शेयर करेंगे, हमें कैसा फ़ील हुआ। खैर बगैर पेट्रोल के गाड़ी अगर आप चलाएं तो आपको मज़ा ही आता है सच्ची में, और आपको अच्छा भी लगता है कि आप पेट्रोल ज़ाया नहीं कर रहे हो, आप जस्ट इको मोड पे जा रहे हैं एक किस्म के। आपके सामने ये बच्चा चला रहा है और बेहतरीन किस्म की गाड़ी इसको भी चलाने आती है, और माशाल्लाह से आप जो है इस गाड़ी को अवेल कर सकते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी जो है इलेक्ट्रिक कार्स, जैसे कि बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगी, जो कि मोस्टली लोगों ने मंगाना शुरू कर दी हैं। अगर आप गाड़ी देखना चाहते हैं तो आपको ये नियर कराल चौक के पास हुजाई मोटर्स के नाम से, हुआजी मोटर्स के, आई एम सॉरी अबाउट दैट, के नाम से मौजूद है, वहाँ पे मिल जाएगी। मैं इसकी लोकेशन पिन पॉइंट कर दूंगा, नीचे डिटेल में डाल दूंगा, अगर आप विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, गाड़ी बुक करना चाहते हैं आप करा सकते हैं। इनका नंबर तो आपने देख लिया होगा गाड़ी पे, उन्होंने बहुत बड़ा लिखा है, डोंट वरी वो बाद में लिखा नहीं होगा, ये जस्ट लॉन्च करते वक्त के लिए उन्होंने लिखा है, बाकी आगे आने वाले वेरियंट्स में मे बी इनके अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स भी हों, बट गाड़ी मुझे चला के बहुत मज़ा आया था, मेरा टू बी ऑनेस्ट रिव्यू यही है। और इंशाल्लाह स्पेक्स मैंने, अगर आपने पॉज करके देखने तो आप देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, कंजूसी ना किया करें, उंगली को थोड़ा सा हला लिया करें और लाइक के बटन के ऊपर ले जाया करें, उसके प्रेस कर दिया करें, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसके अंदर यूज़र रिव्यू भी हम इंशाल्लाह लेके आएंगे, और अगर आपको लगता है कोई चीज़ डिस्कस करती हुई रह गई तो वो भी बताइएगा। एक चीज़ और बताता चलूँ, उसके अंदर रीजनरेशन ऑप्शन नहीं है, रीजनरेट नहीं करती जब डाउन द हिल जाती है, तो मे बी इंशाल्लाह इसके अंदर एक ऑप्शन आगे जाके आए, इसके अंदर रीजनरेशन वाला ऑप्शन नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।